नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी। चलते हैं अब उस शख्सियत की ओर जो कि आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने वाले हैं। जी हां, हमारे साथ एक बहुत ही सीनियर फोटोग्राफर और साथ ही सामाजिक न्याय विभाग में कार्यरत शरद श्रीवास्तव जी मौजूद है स्टूडियो में, जो कि आज हमें अपने कुछ अनुभव और साथ ही एक विशेष विषय पर कुछ खास बातें बताएंगे। तो शरद जी, बहुत स्वागत है पहले तो कार्यक्रम में आपका। शरद जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा आपसे कि फोटोग्राफी में आपका शौक कब से और साथ ही कैसे लगा कि फोटोग्राफी में ही जाना है? फोटोग्राफी कॉलेज के दिनों में जब हम पढ़ते थे उस समय लोग अपने अपने कैमरे ले लेके आते थे, तो मेरा भी सोचा कि लोग अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं तो मैं भी कुछ अपना फोटोग्राफी का सामाजिक कार्य के रूप में उसमें अब उसको ढालूं। तब से मेरे एक दिमाग में बात बैठ गई थी कि मैं जो फोटोग्राफी करूंगा उसको सामाजिक हित में काम करूंगा। जी चलिए, एक और चीज जानते हैं कि आपके द्वारा जो है कई सारी प्रदर्शनियां लगाई गई हैं, उन प्रदर्शनियों के बारे में पहले जान लेते हैं कि वो प्रदर्शनियां कहाँ कहाँ किस विषय पर और किस तरीके से लगाई गई। मेरे द्वारा नशा मुक्ति के ऊपर, दिव्यांग जनों के ऊपर, वरिष्ठ जनों के ऊपर मैंने अपनी फोटो प्रदर्शनी लगाई है। और ये अधिकांश उनके जो विशेष दिवस होता है 2 अक्टूबर को मध्य से सप्ताह और 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर मैंने इनका आयोजन किया था। चलिए शरद जी, अगर देखा जाए तो फोटोग्राफी में जो आपने अभी विषय बताए हैं, इन प्रदर्शनियों में कई सारे अनुभव होते हैं, तो आपके से कौन से अनुभव रहे हैं इन नशा मुक्ति की ओर अगर देखा जाए? यहाँ पर आपने वृद्धजनों की बात की, दिव्यांगजनों की बात की, तो इन सभी में जो है क्या अनुभव रहे, क्या ऐसा दिमाग में आएगा इसी विषय पर जो है प्रदर्शनी लगानी है या फिर इसी पर फोटोग्राफी करनी है? ये फोटोग्राफी में आजकल काफी सारी और भी चीजें हैं, लेकिन आपने इन्हीं विषयों को चुना। दरअसल निशक्त जनों को जब हम देखते थे कि निशक्तजन व्यक्ति अपना प्रमाण पत्र बनवाने जा रहे हैं, तो उनकी मैंने दिनचर्या पे देखा, उनके मजबूत हौसलों को देखा, वो किस तरह अपना संघर्ष की जिंदगी जी रहे हैं उसको देखते हुए मैंने पहले दिव्यांग जनों के ऊपर सबसे पहले मैंने अपनी साकार फोटो प्रदर्शनी लगाई थी। उसके बाद मेरा नशा मुक्ति के ऊपर मैंने देखा कि नशा युवाओं में सबसे ज्यादा नशा दिन पर दिन बढ़ रहा है, तो मैंने नशा के ऊपर अपनी फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। उसके बाद दिव्यांगजनों के ऊपर मैंने देखा कि दिव्यांगजन भी जो है बहुत अपना संघर्ष की जिंदगी जीते हैं, तो धीरे धीरे करके मैंने उसके ऊपर भी अपना फोटो के लिए अपना आगे अटैक्ट किया। जी चलिए शरद जी, एक और चीज मैं जानना चाहूंगी आपसे कि फोटो प्रदर्शनी के पीछे आपका मकसद क्या रहा, साथ ही इस प्रदर्शनी के बाद जो है क्या रिस्पॉन्स लोगों का मिला, आपने क्या क्या सोच के जो है ये लगाया था और क्या आपका लक्ष्य था कि इसके बाद क्या होना चाहिए? युवाओं में दिन प्रतिदिन जो है नशे की बढ़ती समस्या को देखते हुए उनके परिवार जो है बहुत से संघर्ष की जिंदगी जीते हैं। कोई व्यक्ति यदि परिवार में एक व्यक्ति भी नशा करता है तो वो जो है उनका पूरा परिवार छोटे से लेकर बड़ा तक पूरा परेशान हो जाता है और पूरा संघर्ष की जिंदगी जीते हैं, तो उनको देखते हुए मैं सोचा कि इनको फोटो के माध्यम से अपन बताएं कि नशा किस किस प्रकार का कैसे कैसे बढ़ रहा है और कहां कहां अपन को क्या करना चाहिए, इसलिए इस संदर्भ में मैंने उनको एग्जीबिशन लगाई थी। अगर देखा जाए तो इन फोटो प्रदर्शनी के दौरान या फिर फोटोग्राफी के दौरान जो है क्या कुछ समस्याएं आई, किस तरीके से, क्योंकि एक फोटो जो है वो बोल्ड तस्वीर होती है, तो उस फोटो को उस एंगल से लेना, उस एग्जैक्ट मोमेंट पे लेना एक बहुत बड़ी, ये कह सकते ये भी फोटोग्राफी एक बहुत कैसे महत्वपूर्ण कला है जो फोटोग्राफर के पास होनी चाहिए कि उसे कैप्चर करना आना चाहिए उस मोमेंट को, तो इसके बारे में आपसे विस्तार से बताइए कि आप काफी गहरा अनुभव रखते हैं फोटोग्राफी में। नशे पे फोटोग्राफी करना वाकई में बहुत कठिन कार्य होता है। जब जब ये हम फोटोग्राफी करने जाते हैं, जैसे मान लो नशा, ट्रेन में कोई व्यक्ति बच्चा नशा बेच रहा है वो उसकी मजबूरी होती है, परंतु अब उनकी मजबूरी होती है, अपन को नशा खरीदना है ये अपना वो रहता है, तो नशे को बच्चे बेच रहा है तो अपन उसको कम, बच्चा जो है अपने पैसे के लिए कमाने की संघर्ष कर रहा है, लेकिन अपन को नशा नहीं खरीदना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब अपन फोटोग्राफी करते हैं तो पुलिस का कई स्पॉट ऐसे होते हैं जहाँ फोटोग्राफी करना मना होता है, तो वो भी कई बार आता है। कई बार दिव्यांग जनों की फोटो खींचते समय भी कोई समस्या आती है कि वो फोटो क्यों खींच रहे हैं, उनका मना करना अपना एक अलग कहानी है। मुझे अपना काम भी देखना है, उनको अपना काम भी करना है, तो मैंने सबको देखते हुए बड़ा बैलेंस करते हुए फोटोग्राफी की है कि कहीं पे कोई दिक्कत ना आए, उनके मान सम्मान को भी दिक्कत नहीं आए और मैंने अपना काम करने की कोशिश की है। जी चलिए, एक और सवाल मेरा यह रहेगा आपके कि फोटोग्राफी के लिए हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक और चीज है कि अगर हम तम्बाकू देखें,
शराब देखें, आजकल की सब नॉन नशे हैं, मतलब हम इन सब चीजों का हम जानते हैं, लेकिन ऐसे कई नशे होते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता है। जैसे कि अगर हम स्ट्रीट पे देखें तो जो बच्चे होते हैं, मांगने वाले होते हैं, उनको अगर देखें तो उनको उनका एक केस आया था बीच में कि ये बच्चे जो है दिन भर में 25 से 30 रुपए इकट्ठे करते हैं और उसी ब्रिज के नीचे बैठकर जो है नशा करते हैं। कोई एक बॉटल ले आते हैं, 25 रुपए की कोई बॉटल आती है शराब की, उसको उसका सेवन करना शुरू कर देते हैं। साथ ही यहाँ पर वाइटनर से लेके अलग अलग प्रकार के नशे करते हैं। तो ये काफी अभी तो नहीं, 2014-15 में एक बहुत बड़ा केस ये हुआ था के बारे में कई सारे लोगों ने पता लगाया था, फिर एक एनजीओ ने जो इसके लिए काम भी किया था और इस बात को बाहर निकाला था। तो इसके ऊपर जो है आपने एक अच्छा गहरा अनुभव है आपका कि किस तरीके से जो है नशा मुक्ति केंद्र बच्चों को लाया जाता है, किस तरीके से जो है बच्चे बच्चे या फिर युवा जो है इस नशे में उलझ जाते हैं। तो ऐसे में आपके अनुभव से इस विषय पर और कितना सरकार का और प्रशासन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए? नशा दिन प्रतिदिन अलग अलग स्वरूप बदल रहा है। आज के युवा बच्चे लोग जो है ना वाइटनर यूज करते हैं, बेड मिला के आयोडेक्स वगैरह के खाते हैं और पेट्रोल सूंघते हैं, कई बार बिना मजदूरी करेंगे जो पैसा आएगा, कई बार भीख मांगते हैं, भीख मांगने के बाद भी जो पैसा आता है उसको वो नशे शराब पीने लगते हैं रात को। इसमें मैंने इसमें 4 श्रेणी में इनको बांटा गया था। एक तो मिडिल क्लास के बच्चे, जो शुरू में बच्चे होते हैं उनको क्या होता है, कई बार पेरेंट्स जो होते हैं अपना नशा करते हैं तो वो नशा जो छोड़ते हैं उस नशे के उपयोग बच्चे लोग, जैसे मानो पाउच छोड़ा तो पाउच में क्या करते हैं बच्चे लोग पाउच उठाएंगे, धीरे से उसका टेस्ट लेंगे, ऐसे बॉटल में जो नशा रहता है शराब रहती है उसको धीरे से सिप लेते हैं, उनको अच्छा लगता है। धीरे धीरे क्या होता है बच्चे लोग जो है उस नशे की ओर बढ़ जाते हैं। और ये तो हो गए मिडिल क्लास की। युवा लोग क्या करते हैं, नशे की शुरुआत आमदनी सिगरेट से करते हैं, सिगरेट से किया उन्होंने, शो के तौर पे करते हैं, फिर जो नशा एक उनका बड़ा स्वरूप हो जाता है, फिर वो पढ़ते समय उनका इंजेक्शन ले रहे हैं, गोली खा रहे हैं नशे के लिए, उनको अपने आप में खो जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। ये सब मैंने अपनी फोटो प्रदर्शनी में दिखाया गया है। कॉलेज के बाद में आपका आता है हाई कॉलेज के बाद आता है, वो बड़े आते हैं बच्चे लोग, तो वो क्या करते हैं अपना हुक्का लाउंज में चले जाते हैं, हुक्का लाउंज में जाएंगे किटी, और रात को होटल में रात को 12 बजे से बसते हैं, केक काटेंगे और बर्थडे बनाते हैं, शैंपेन की बॉटल खोलते हैं, इस तरह नशे का एक थर्ड स्टेज आता है। फिर चौथा क्या है, जब लोग सर्विस करते हैं शाम होते ही क्या करते हैं कि सब इकट्ठे हो आते हैं, आज पार्टी किसकी तरफ से होना है, पार्टी वो एक बार कोई व्यक्ति ऐसे नशा नहीं करता है तो उनको एक एक बार लेके फिर आ जाते हैं कि आप देखो टेस्ट करो क्या होता है, तो वो फिर वो भी नशे में धीरे से इन्वॉल्व हो जाता है। एक बार उनको पार्टी दी जाती है यंग जो नशा नहीं करता है वो फिर उसकी चपेट में आ जाता है, और फिर उनका शाम के एक ग्रुप बन जाता है कि शाम को अपन को नशे में कहाँ बैठना है, और 7 बजे से ही वो अपनी प्लानिंग शुरू कर देते हैं कि हमको आज नशा बैठने की कहाँ पे किसके घर बैठना है। इस तरह नशे का स्वरूप हो गया। फिर वो बच्चे जो होते हैं अपने घर में आते हैं तो वो बच्चे नशा करना जहाँ शुरू किया तो बच्चे भी जब ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे क्या होता है, अब उनको मारपीट करते हैं उनके बड़े व्यक्ति जो नशा करके आते हैं, फलस्वरूप क्या होता है उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा खराब हो जाती है, उनका पढ़ नहीं पाते हैं, उनके स्वास्थ्य की देखरेख नहीं हो पाती है। और उसके बाद क्या होता है कि यदि व्यक्ति नशे में लगातार करता रहेगा तो वो आपके कैंसर को भी ले जाएगा, आपको किडनी खराब हो जाएगी, आपका लीवर खराब हो जाएगा, इस तरह मैंने उसको दिखाया गया है। ओके, तो मतलब फोटो प्रदर्शनी में जो है तमाम तरह की तस्वीरें हैं जो बोलती हैं कि हाँ नशा बच्चे भी करते हैं बड़े भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर नशा जो है वो सिर्फ उतनी चीजों में नहीं, लोग अलग अलग चीजों में नशा ढूंढ चुके हैं और ऐसे में अपनी जिंदगी में नशे को लाने के बाद ना सिर्फ वो खुद की जिंदगी तबाह कर रहे हैं बल्कि पूरे परिवार के साथ साथ उनके आसपास के लोगों को भी बिगाड़ते हैं। कहते हैं ना एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो ऐसे में शरद जी अगर यहाँ पर देखें तो आपने प्रदर्शनी में जो है इन सब के बारे में तो बताया ही है, साथ ही इसके अलावा जो है आपने निशक जनों के बारे में बताया यहाँ पर, तो निशक जनों के साथ आपका अनुभव कैसा रहा अभी तक का, इनके फोटो प्रदर्शनी लगाने के साथ साथ फोटो क्लिक करना, उस मोमेंट को जीना और एक फोटो कैप्चर करने में कितनी मेहनत लगती है? निशक तो बच्चों के लिए जो है ना उनके लिए बड़ा, उनके लिए थोड़ा देखना पड़ता है, उनकी एक्टिविटी देखनी पड़ती है, उनके पेरेंट्स उनको कैसे लेके आ रहे हैं हॉस्पिटल में, वो पेरेंट्स बेचारा उसके कई बार लाल टपक रही है, कई बार चल के नहीं पा रहा है, तो उनकी मैंने दिनचर्या को मैंने इसमें शामिल किया था। और उनकी एक संघर्ष की कहानी, संघर्ष करना चाहते हैं, संघर्ष करके वो आगे बढ़ना चाहते हैं, और वो ऐसा नहीं संघर्ष करके बहुत ऊंचाई तक पहुंच पाते हैं। दिव्यांग बच्चों में या कोई भी इस तरह बच्चे होते हैं, मैंने इनमें देखा कि इनमें एक गुण अपन से ज्यादा होता है, यदि उनको थोड़ी सी जगह दे दी जाए, थोड़ा सा उनको रास्ता बता दिया जाए तो वो एक बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हैं।
टैलेंट की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, यानी कि मतलब माना जाए कि अगर इन लोगों को सुविधाएं मिले, अगर लोग मदद का हाथ बढ़ाएं, तो ये भी जो है एक आम जिंदगी जी सकते हैं। इन्हें हम अगर देखें जिस तरीके से वो जिंदगी अभी अपनी व्यतीत कर रहे हैं, कि अगर कोई चल नहीं सकता है, कोई बोल नहीं सकता है, कोई देख नहीं सकता है, तो उन्हें अगर थोड़ा सा रास्ता हम दिखा दें, यानी कि लोग, ये तो लोगों की जागरूकता है कि लोग इसमें जागरूक होने चाहिए। आपका अनुभव यहाँ पे कैसा रहा है इसके? अगर फोटोग्राफी की हम बात कर रहे हैं तो आपने बताया कि यहाँ पे आपके कई सारे अनुभव हैं, लेकिन अभी तक का आपका ऐसा कोई अनुभव चला जी जिसमें आपने कोई ऐसा मोमेंट जिया हो, किसी भी फोटोग्राफी के किसी भी उस क्षेत्र में, से किसी भी कैटेगरी की आप फोटोग्राफी कर रहे हैं, यानी कि वो अगर नशे के ऊपर है, वृद्धजनों के ऊपर है, या फिर यहाँ पर निशाकजनों के लिए है, तो ऐसे में कोई ऐसा अनुभव आपका जिसने अंदर तक आपको झंझोड़ कर रख दिया हो? दिव्यांगजनों के लिए जो है ना, उनके मैं खुद देखता हूँ, शिक्षा, उनके मनोरंजन, उनका जो स्वास्थ्य है, उसको कितना उन्होंने अपना करके अपना संघर्ष करते हैं, वो आज आप देखते हैं कि आज ओलंपिक में भी जो है दिव्यांगजन बच्चे किसी से कम नहीं है। यहाँ तक नशे की बात आती है, नशे में मैंने देखा है कि नशा मुक्ति केंद्र में एक मिस्टर राजीव तिवारी जी थे, हैं अभी भी, उन्होंने बहुत नशा करते थे। नशा करने के बाद उन्होंने बेंगलोर में उन्होंने अपना ट्रीटमेंट लिया, योग किया। सबसे बड़ी चीज, बढ़िया चीज क्या है नशे करने वालों के लिए, योगा करें तो वो उससे नशे से दूर रह सकते हैं। और नशा छोड़ने के लिए भी क्या होता है कि उनको खुद के आत्म उनको होना चाहिए निर्भर, कि मतलब कि हम नशा छोड़ना चाहते हैं। तो तिवारी जी ने जो बेंगलोर में नशा मुक्ति केंद्र में उन्होंने अपना नशा शिक्षा लिया कि नशा किस तरह छोड़ सकते हैं, आज वही मिस्टर तिवारी जी जो है ना, कई हजार लोगों को नशे से दूर कर चुके हैं अपने नशा मुक्ति केंद्र के अंदर। तो यदि कोई व्यक्ति नशा छोड़ना चाहे तो नशा छोड़ भी सकता है। और मैंने अपनी फोटो प्रेस में देखा कि एक दूसरे एक पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रदर्शनी में दिखा रहे थे फोटो, और उस फोटो में देखा मैंने कि वो भाव विभोर हो गया था बहुत ज्यादा, और पेरेंट्स बार बार उसके वो दिखाई दे रहा था, बच्चा भी देख रहा था कि यदि मैं आज यदि कोई मैं नशा करता हूं तो मेरा गाल ऐसा हो जाएगा, मुंह फूल जाएगा, जीभ में कैंसर हो सकता है, इससे बड़े भोवित हो गए थे। और इससे उन्होंने सोचा कि आज यदि अपन ये नशा करेंगे तो अपन को कैंसर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, ये भी उसमें मैंने दिखाया गया था, यदि व्यक्ति को ज्यादा नशा करता है तो उसको कैंसर हो जाएगा, कैंसर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, अंत में फिर उसकी जिंदगी क्या रहेगी वो खुद जानता है। तो इससे बच्चों ने शिक्षा ली, और उन्होंने दो लोग तो आए, उन्होंने शपथ भी ली कि मैं आज के बाद नशा नहीं करूंगा। शरद जी, अगर इतने सारे अनुभव की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपके अनुभव साफ बताते हैं यहाँ पर कि फोटो प्रदर्शनी में जो बोलती तस्वीरें हैं उसने यहाँ पर कई सारे लोगों को जो है जागरूक किया होगा, प्रभावित भी किया होगा। ऐसे में इसका रिस्पांस कैसा रहा लोगों का, जब लोगों ने इसको देखा, और क्या प्रभाव आम जन पर पड़ा इसका? लोग प्रदर्शनी देख के बहुत भावुक हो रहे थे, और उनको उन्होंने इसके देख देख कर उन्होंने शिक्षा भी ली, और उन्होंने आगे नशा न करने के लिए भी इस बात को देखा कि नशा नहीं करेंगे। और उनके सपने थे कि नशा मुक्ति में, कि जो हम आज चोटी पे जाएंगे, हम ऊंचे स्थान पे जाएंगे, तो कुछ लोग दिव्यांग जन जो हैं अपना आज उच्च स्थान पे भी पहुंच चुके हैं। जहां तक दिव्यांग महिलाओं की बात करें, दिव्यांग महिलाएं भी किसी से कम नहीं है। इस पर भी मैंने अपना अपनी फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया था। दिव्यांग महिला जो कुछ इंडस्ट्री चला रही है, कुछ से एनजीओ चला रही है, तो उसमें थोड़ी सी इनको दिशा की जरूरत पड़ती है, बाकी वो अपना हाई ऊंचे स्थान पर पहुंच जाते हैं। ओके सर जी, आपने तीन प्रदर्शनियां यहाँ पे बताई है हमें, जिसमें आपने अलग अलग टॉपिक्स पे लगाई है, इनका टाइटल, इनके नेम रहे हैं, मतलब क्या क्या आपने थीम्स पे रखे थे? हाँ, सबसे मेरी इसमें मुख्य प्रदर्शनी 11 फोटो प्रदर्शनी लगाई थी, इसमें आधार स्तंभ, दिव्यांग बच्चों के सपने होंगे सच साकार, और नशा छोड़ो घर को जोड़ो, और शोक ए तबाही आदि मेरी प्रमुख फोटो प्रदर्शनी थी। इसमें विभिन्न जगहों पे मैंने भोपाल, इंदौर और उज्जैन में लगाई थी। ओके शरद जी, इस फोटो प्रदर्शनी के साथ साथ अगर हम इस फोटोग्राफी करियर को देखें, एक बार एक बहुत गहरा अनुभव आपको फोटोग्राफी रहा है, और ऐसे में अगर आज के वक्त में देखें तो प्रिंट मीडिया में फोटोग्राफी जो है वो आज भी उतनी ही मायने रखती है जितनी पहले रखती थी। पहले की बात करें तो पहले टेलीविजन नहीं हुआ करते थे, हमारे पास मीडिया जो था वो उतना ज्यादा विस्तार रूप में नहीं था, ब्रॉडकास्ट मीडिया हमारे पास नहीं था, हमारे पास प्रिंट मीडिया था उस वक्त में। तो प्रिंट मीडिया में एक फोटो
एक परफेक्ट फोटो कितनी इंपॉर्टेंट होती है, साथ ही आज भी इस फील्ड में कितना ज्यादा स्कोप है बच्चों के लिए, आगे जो आने वाले युवा है उनके लिए कितना स्कोप है, क्योंकि फोटोग्राफी आजकल लोग करते तो हैं, शौकिया तौर पर करते हैं, लेकिन एज अ करियर इसको बहुत कम लोग देखते हैं। तो आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आपका अनुभव काफी गहरा रहा है, तो आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे, युवाओं से क्या कहना चाहेंगे कि इस फील्ड में आगे आने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए, साथ ही ये फील्ड जो है वो कितनी क्रिएटिव है? फोटोग्राफी में अपार संभावना है आगे बढ़ने के लिए। एक फोटो लाखों शब्दों पे भारी होती है और आज का फैशन फोटोग्राफी है, कैंडिड फोटोग्राफी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तो इसके अलावा कैंडिड के अलावा आपके जीव जंतुओं की पर फोटोग्राफी लोग कर रहे हैं, समुद्र की कर रहे हैं, लोग घंटों घंटों समय दे सकते हैं, देते हैं इस फोटोग्राफी करने के लिए, काफी इसमें स्कोप है। काफी समाचार पत्र में भी इनकी भूमिका अलग होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है, वो काफी इससे पैसा उनको भी कमाया जा सकता है उनसे इसके द्वारा। तो फोटोग्राफी में कोई भी एक टॉपिक पकड़ के काम करने से ज्यादा अच्छा होता है। वैसे तो सभी जगह पे फोटोग्राफी करना चाहिए, लेकिन एक कोई प्रमुख स्थान पे करके वो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ सकता है। ओके, यहाँ जैसे कि हम बात अगर प्रिंट मीडिया की करें तो प्रिंट मीडिया में अलग अलग तरह की फोटो होती है, जैसे कोई प्रदर्शन हुआ, कोई रैली हुई, लाठीचार्ज हुआ, कोई बड़ी घटना हुई, कोई हादसा हुआ, या फिर कोई क्राइम का कोई क्राइम की फोटोग्राफी है, अलग अलग क्षेत्रों में जो है अलग अलग विषयों पर यहाँ पर फोटो की जरूरत होती है, और एक फोटो जो है वो खबर को कह सकते हैं रंग भर देती है खबर में। तो ऐसे में एक परफेक्ट फोटो, एक सही फोटो जो है क्लिक करना उसी मोमेंट पे, यानी कि एट द मोमेंट उसी मोमेंट पे कैप्चर करना उस मोमेंट को, कितना जरूरी हो जाता है। साथ ही आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आपके अभी तक के अनुभव कैसे रहे हैं फील्ड में? वैसे तो मैंने प्रेस फोटोग्राफी की नहीं, मैं सामाजिक न्याय में एवं निःशक्तजन कल्याण में फोटोग्राफर हूँ, परंतु फिर भी मीडिया में फोटोग्राफी करना बहुत कठिन काम होता है। कहीं भी लाठीचार्ज जैसे हुआ तो फोटोग्राफर को अपन को